हम सबने फिजिकल वर्ल्ड में नोटिस किया वो तो ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिकली भी पिछले 2 सालों में QR कोड के यूजेज का ग्राफ स्काईरॉकेट हुआ है। ज्वेलरी एग्जीबिशन हो या मार्बल्स की फैक्ट्री, वो जमाना गया जब सेल्समैन की जरूरत पड़ती थी। अब तो बस मोबाइल निकालो, स्कैनर की हेल्प से QR को स्कैन करो और सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि QR कोड एक रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है, तो क्यों ना 3D एनिमेशन की मदद से QR कोड के पीछे की साइंस को समझा जाए, दैट इज हाउ QR कोड एक्चुअली वर्क्स। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। QR कोड के वर्किंग मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प लूंगा। साल 2022 के वैलेंटाइंस डे के दिन शाम 5:43 पर मेरे दोस्त का मुझे फोन आता है। कॉल पिक करते ही हाय हेलो गई भाड़ में, सीधा मेरे कानों में एक आवाज आई, भाई बेवफा निकली यार। बस फिर क्या था, अगले आधे घंटे में हम ठेके के सामने थे। उसने एक देसी पौआ ऑर्डर किया और बिना सोचे समझे नीट मार गया। जिस हालत में वो था उस हिसाब से पेमेंट तो मुझे ही करना था। दुकानदार ने QR सामने कर दिया और मैं अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप ओपन करके पेमेंट करने लगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेटीएम ऐप को कैसे पता चलेगा कि इस QR कोड पर अगर मैं पेमेंट करूँ तो पैसा इस ठेके वाले के अकाउंट में ही जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर खुद इस QR कोड के अंदर ही छुपा हुआ है। QR कोड के वर्किंग मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको QR कोड का स्ट्रक्चर समझना ही पड़ेगा। ये जो 3 स्क्वायर बॉक्सेस आप देख रहे हो, इन्हें ही डिटेक्शन मार्कर्स बोला जाता है। डिटेक्शन मार्कर्स का काम है कि वो स्कैनर को ये बताएं कि कोड रीड करने की शुरुआत कहां से करनी है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि QR कोड में डेटा 4 तरीकों से स्टोर किया जाता है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी। तो इन तीनों डिटेक्शन मार्कर्स का दूसरा इम्पोर्टेंट यूज ये भी है कि ये स्कैनर को बताएं कि इस पर्टिकुलर QR कोड में इन चारों में से कौन सी डेटा स्टोरेज टेक्निक यूज हुई है। QR कोड को स्कैन करते वक्त आपने एक बात और नोटिस की होगी कि किसी भी एंगल से स्कैन कर लो, कोड तो सक्सेसफुली स्कैन हो ही जाता है, और इसका क्रेडिट जाता है इस अलाइनमेंट पैटर्न को। ये अलाइनमेंट पैटर्न जो आप देख रहे हो, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेनली इसका काम है स्कैनर के ओरिएंटेशन को हेल्प करना। ये जो डॉट्स आप देख रहे हो, इनको टाइमिंग पैटर्न कहते हैं। ये डॉट्स इन तीनों डिटेक्शन मार्कर्स के एजेस को एल शेप में कनेक्ट कर रहे हैं, और इनका काम स्कैनर को बताना होता है कि डेटा कौन से रो और कौन से कॉलम में स्टोर्ड है। डिटेक्शन मार्कर्स के पास ये जो पार्ट्स हैं, इनको फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन एरिया बोला जाता है। इनमें 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। पहली एरर करेक्शन कीज, जिसमें QR कोड के इन्फॉर्मेशन की कॉपी रहती है। सपोज करो कोई भी रैंडम नशे में धुत बेवड़ा इस QR कोड को एक्स रीजन की वजह से इस तरह से डैमेज कर दे, तो एरर करेक्शन कीज की वजह से यहाँ से अप टू 30% डैमेज्ड QR कोड की मिसिंग इन्फॉर्मेशन को स्कैनर एक्सेस कर सकता है। और दूसरे टाइप की इन्फॉर्मेशन है मास्किंग पैटर्न से रिलेटेड। डेटा इंक्रिप्शन यहीं पर होता है। इसमें डेटा को फिक्शियस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कोई अपनी आंखों से QR कोड की इन्फॉर्मेशन को ना पढ़ पाए। जरा फोकस करना, जैसे ही मैंने QR कोड को स्कैन करना शुरू किया तो इन तीनों डिटेक्शन मार्कर्स की हेल्प से पेटीएम ऐप को ये पता चल गया कि स्कैनिंग इस बॉटम राइट कॉर्नर से शुरू करनी है। एक बार स्कैनिंग की शुरुआत हो गई, फिर आप स्टार्टिंग के ये जो 4 बॉक्सेस या सेल्स देख रहे हो, इनको एनकोडिंग मोड ब्लॉक बोला जाता है। QR कोड में डेटा स्टोरेज के लिए ये 4 टाइप्स के एनकोडर यूज होते हैं, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी। और इसलिए एनकोडिंग मोड ब्लॉक का काम है स्कैनर को ये बताना कि इस पूरे QR कोड में कौन सी डेटा एनकोडिंग टेक्निक यूज की गई है। ये जो नेक्स्ट 8 सेल्स आप देख रहे हो, ये स्कैनर को बताते हैं कि डेटा कौन से ब्लॉक तक स्टोर्ड है। यहाँ तक आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि ये स्टार्टिंग के 12 सेल्स या डब्बे बहुत बहुत जरूरी हैं, और इनके बाद ही रियल डेटा स्टोरेज शुरू होता है। QR कोड के अंदर डेटा जिगजैग पैटर्न में स्टोर होता है। अब मेरे मोबाइल में पेटीएम ऐप के स्कैनर को ये तो पता चल ही गया है कि इस QR कोड में कौन सा एनकोडर यूज किया गया है और डेटा कौन से सेल तक स्टोर्ड है, तो फिर क्या बचा। अगले कुछ मिली सेकंड्स में इस QR कोड का डेटा मेरे मोबाइल में आ जाएगा और मैं पेमेंट करके अपने दोस्त का सच्चा सहारा बन पाऊंगा। QR कोड की बात चल ही रही है तो एक गुड न्यूज भी बता दूं, फाइनली मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स के लिए अब आप QR कोड का इस्तेमाल करके भी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। मास्टर 3D विद प्रोफेसर एक बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन कोर्स है जो आपको ये सिखाता है कि रिकॉर्ड टाइम में बहुत ही आसान तरीके से इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल जैसी 3D एनिमेटेड वीडियोस आखिर कैसे बनानी है। अगर आप भी 3D सीखने में इंटरेस्ट रखते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी की अभी मैसेज करके मुझसे बात करो और अपना स्लॉट बुक करो। बाय द वे, वर्किंग मैकेनिज्म के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि QR कोड बारकोड का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। बारकोड के मुकाबले QR कोड कई गुना ज्यादा फास्ट है और 350 गुना ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाओगे कि QR कोड से भी लेस कॉम्प्लिकेटेड
और ज्यादा फास्ट एक और टेक्निक है जो कि स्नैपटैग के नाम से यूज की जा रही है। स्नैपटैग के सेंटर में ब्रांड लोगो रहता है और इस सर्कुलर रिंग में डेटा रहता है। बहुत जल्द इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर हाउ स्नैपटैग वर्क्स नामक 3D वीडियो भी पब्लिश होगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली अपने मोबाइल पर पाने के लिए अभी की अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेटेस्ट वीडियोस के वर्क इन प्रोग्रेस अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।